तो हे गाइस नमस्कार, मेरा नाम अनीश रॉय। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बड़े होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डरफेस्ट ओएस के बारे में, जो कि एकदम ही नया बिल्ड है हमारे वायलट के लिए, आई मीन रेडमी नोट 7 प्रो के लिए, एकदम ही मार्च के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। और गाइस यहाँ पे देखते कि क्या कुछ इस कस्टमर में देखने मिलता है तबाही। और गाइस इस रोम में जो है एकदम गेमिंग वगैरह आप बहुत ही तगड़ी तरीके से कर पाओगे। मैंने यहाँ पे गेम वगैरह खेला, मेरे को अच्छा खासा एपीएस, ठीक ठाक एपीएस देखने को मिला बीजीएमआई में, ठीक है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर देखते रहना, वरना आप एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिस कर जाओगे। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मेरा नाम अनीश रॉय, यू आर ऑलरेडी वाचिंग टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे मैंने इस आइकन वगैरह को चेंज कर रखा है, या आइकन वगैरह आप चेंज वगैरह कर पाओगे, ठीक है। इस रूम में एक चीज बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है, वो है यहाँ पे जो ANX कैमरा का सपोर्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको ANX का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप 1080p 60fps फिर 4K 30fps तक का आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे इसी फोन से, अपने Redmi Note 7 Pro से। वहीं पे मोड में जाएंगे तो यहाँ पे स्लोमो वगैरह, फिर 48 मेगापिक्सल वगैरह, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, फिर यहाँ पे स्टिकर, अवतार वगैरह, फिर मूवी इफेक्ट्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। फोटो में जाओगे, फोटो में आपको HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और HDR बहुत ही सही से मैनेज भी कर पाता है, एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड है। प्रो मोड भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप प्रो मोड से कस्टमाइज करके यहाँ पे फोटो वगैरह ले पाओगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन खोलोगे एकदम स्मूथली खुलता है, यहाँ पे ऐसे में दिक्कत वाली बात है नहीं कि यहाँ पे आपको कुछ भी स्ट्रगल नहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हर एक ऐप जो है एकदम साइमेंटेनियसली आप स्विच कर पाओगे। और गाइस मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बेस्ट होता है डरफेस्ट ओएस, आप सभी लोगों को पता होगा। एक अच्छा खासा मल्टीटास्किंग के लिए या फिर एक बैटरी बैकअप के लिए रोम चाहिए, देन ये रोम आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको 8 से 9 घंटे का भी बैकअप दे सकता है बैटरी बैकअप, अगर आप गेमिंग वगैरह ना करो तो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स का यूजर इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डर फेस जो है आपको देखने को मिलता है, डर फेस यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। मिसलियस में आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो सारे दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे पिक्सल पी वाला एनिमेशन, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और गाइस बहुत ही स्मूथ लगता है देखने में, लगता है कि थोड़ा सा नयापन आया है एंड्रॉइड 13 में। वैसे तो एंड्रॉइड 13 जो सभी रोम में जो एकदम अच्छी तरीके से काम ही करता है, गाइस नॉर्मली काम करता है, ऐसे में दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन गाइस यहाँ पे इस रोम में जो है पिक्सल पी वाला एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है हर एक रूम से। अगर यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो गाइस डिस्प्ले में आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे टैप टू वेक, फिर यहाँ पे फुल स्क्रीन एप्स, फिर यहाँ पे ऑटो रोटेशन स्क्रीन, फिर यहाँ पे इनेबल ब्लर, जो कि मैंने डिसेबल कर रखा है। इसको इनेबल करोगे तो गाइस UI में आपको लैग देखने को मिलेगा, तो गाइस इसीलिए मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट नॉर्मल देखने को मिलता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे डेस्कटॉप मोड भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पे आप पीसी को कनेक्ट करके एज अ सेकेंड स्क्रीन यूज कर पाओगे मोबाइल को। तो यहाँ पे ये चीज मैंने ऐसे में यूज नहीं करा, अगर आप यूज करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे एक चीज से सिक्योरिटी में एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, वो है डिसेबल फिंगरप्रिंट लॉकआउट, ठीक है। ये अगर आप 3-4 बार जो है अपना गलत अटेम्प्ट देते हो तो गाइस यहाँ पे फोन जो है 30 सेकंड्स के लिए यहाँ पे अटेम्प्ट मांगता है, फिर अगेन आपको 30 सेकंड्स बाद ट्राई करने के लिए बोलता है। इसको जैसे आप इनेबल करोगे ना, तो गाइस आपको 30 सेकंड वाला टाइमर देखने को नहीं मिलेगा, आप जितना भी चाहो आप अपने उंगली को गलत उंगली को भी रखोगे या फिर गलत पासवर्ड भी लगाओगे, फिर भी आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, 30 सेकंड का टाइमर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये चीज़ है एकदम अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऐप लॉक की बात करो तो गाइस ऐप लॉक भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट से आप ऐप लॉक को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पे मोर सिक्योरिटी की बात करें, ये सारे देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइस एडमिन ऐप्स वगैरह, फिर स्मार्ट लॉक वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें पैनिक सेटिंग्स की, तो पैनिक सेटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको छोटे मोटे कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं इस डरफेस्ट ओएस में। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें, साउंड एंड वाइब्रेशन में ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें जाओगे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो साउंड वगैरह वो सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है, कस्टमाइजेशन साउंड के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे MI साउंड इनहांसर, जो कि डायरेक्ट साउंड इनहांसर है, ये भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है, जो कि मैंने डिसेबल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेशन हैप्टिक्स वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेटर करने, वाइब्रेटर डिस्कनेक्ट, कॉल वेटिंग वगैरह देखने को मिलता है, वाइब्रेशन। गाइस रोम जो है एकदम ही अच्छा खासा फ्लूइडिटी के साथ आता है, यहाँ पे कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला आप रोम को डेफिनेटली ट्राई कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे रोम एंड्रॉइड 13 के रेडमी नोट 7 प्रो में थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा सा हल्का हल्का जिटर मारता है, लेकिन गाइस इसमें वो सब झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस यहाँ पे अगर हम अबाउट फोन की बात करें, डर फेस का लोगो देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा बड़ा, और यहाँ पे बड़ा बड़ा सॉरी
बहुत ही असली लोग है तुम लोग भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मेंटेनर की तो यार और फोन देखने मिलता है फायरफ्लाई। यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट की बात करें 5 मार्च का देखने मिलता है और यहाँ पे कर्नल वर्जन एक्स क्लीवर देखने मिलता है, ठीक है। और एसी लिनक्स जो यहाँ पे आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वगैरह हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे टेस्ट वगैरह करा है, मेरे को ऐसा कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पे ये रिसेंट बार कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको डरफेस का लॉन्चर देखने को मिलता है जहाँ पे आप सिंपली वेरियस टाइप का कस्टमाइजेशन कर पाओगे। यहाँ पे आपको ऐप हाइट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस कस्टम रूम में, ठीक है। और गाइस डरफेस ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा कस्टमाइजेशन देता है एज कम्पेयर टू पिक्सल, ठीक है। पिक्सल जैसा ही रूम है लेकिन गाइस कस्टमाइजेशन के साथ वाला रूम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलता है। सजेशन की बात करें, सजेशन वगैरह आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। एट अ ग्लैंस यहाँ पे देखने को मिलता है, गूगल सर्च बार देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐप डॉट थीम आइकन, फिर ऐप डॉट ऑब्वियसिटी को भी आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो, जैसे कि ऐप डॉट जैसे खींचोगे आपको बैकग्राउंड को ऑल ओवर देखने को मिलेगा। तो वैसे ये छोटे छोटे चेंजेस जो है यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया करते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अगर बात करें बाकी चीजों के बारे में जैसे कि सीपीयू ट्रॉलिंग रिजल्ट की, तो गाइस वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइस डेल्फी स्टोरेज में वैसा सीपीयू ट्रॉलिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलता। तो गाइस मैंने 2-3 बार टेस्ट किया, मेरे टेस्टिंग में यहाँ पे ट्रॉटलिंग 0 दिखा रहा था, आई मीन यहाँ पे थोड़ा मोटा ट्रॉटल कर रहा था लेकिन ज्यादा यहाँ पे रेड नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसमें स्टॉप ही कर दिया टेस्ट को। और गाइस फोन बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा था, पता नहीं स्नैपड्रैगन 675 ऐसा कैसे हो गया कि बहुत ही ज्यादा हीट कर रहा है। और गाइस मेरे एरिया में अभी फिलहाल तो आई मीन क्या ही बोलो, फैन चलाओ फिर भी फैन से गर्म धुआं आता है, आई मीन गर्म हवा आता है, पता नहीं क्यों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीना आराम हो गया है भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे गीकबेंच रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला रिजल्ट देखने मिल जाता है, 1500 भी क्रॉस नहीं किया है मल्टी कोर स्कोर में, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो कैसे आप देख सकते हो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन में। और वहीं पे अगर हम बात करें इसके डीआरएम इन्फॉर्मेशन की, तो गाइस डीआरएम इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गाइस ये था कुछ चेंजेस जो कि मेरे को बताना था। और गाइस यहाँ पे इसका जो बूट एनिमेशन है वो पुराना वाला देखने को मिलता है, नया में कुछ नहीं है, यहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे पुराना वाला बूट एनिमेशन है। और गाइस यहाँ पे इस रूम को मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक अच्छा खासा हैवी यूजर हो सिंपली आप इसको यूज कर सकते हो। तो यही था आज के इस वीडियो में। और गाइस फ्लैशिंग प्रोसेस जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली उस फ्लैशिंग प्रोसेस को देख के फ्लैश कर लेना, ठीक है। और गाइस अगर आपको आपका डेटा बहुत ही प्यारा है देन आप डेफिनेटली उस DFE4 को फ्लैश कर सकते हो, डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन को फ्लैश करके लास्ट में एक बार बूट कर सकते हो। आपका जो डेटा है आपको सिंपली फॉर्मेट डेटा नहीं करना पड़ेगा, आपका डेटा सही सलामत जो है नेक्स्ट रोम में चलाएगा, आई मीन नए रोम में चलाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस आप मेरे जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर यहाँ पे सिंपली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये वाला मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सिंपली जाकर कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे मेरा ग्रुप ज्वाइन है, तो गाइस ये अपडेट्स वाला ग्रुप है, इसमें सिंपली जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा अपडेट्स वगैरह देता हूँ टेक के रिगार्डिंग। और गाइस ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत वाली बात है नहीं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ किसी नए कस्टमर रूम के साथ, तब तक के लिए आई एम ऑन लीव, बाय बाय गाइस।